फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी से बनने वाले बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। आप इस नाश्ते को जो है घर में रखे कुछ ही सामानों से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपका जो है सुबह में कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है तो आप इस नाश्ते को जो है बनाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को जो है बच्चों के टिफिन में भी बना करके दे सकते हैं। ये नाश्ता जो है बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम एक चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई मिर्ची डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक हरी मिर्ची ली है। तीखा जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्ची को हम थोड़ा सा हम भून लेंगे। मिर्ची जब अच्छे से भून जाती है तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मिर्ची जो है थोड़ी सी भून गई है तो अब हम इसमें जो है हम बारीक कटा हुआ हम अदरक डाल देंगे। इसमें जो है हम बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 6 से 7 कड़ी पत्ते को बारीक काट लिया था। इसको हम थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें जो है हम पानी डाल देंगे। तो इसमें हम 1.5 कटोरी जो है हम पानी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा जो है हम स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, मिला लेंगे। इसको हम ढक कर जो है हम हाई फ्लेम पर पानी को हम बढ़िया से उबाल लेंगे। तो ये देखिए पानी में जो है बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें हम सूजी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 कटोरी सूजी ली है। आप मोटी पतली कोई भी सूजी आप ले सकते हैं, इसको रवा भी बोलते हैं। सूजी को हम जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम डालते जाएंगे, इसको स्पैचुला से जो है हम लगातार हम चलाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप घर की कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से आप सारा मेजरमेंट करिए तो आपका नाश्ता जो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 कटोरी सूजी के लिए आपको जो है इसमें 1.5 गुना जो है पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 कटोरी सूजी ली थी और यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी जो है पानी लिया था। तो मैंने 1 ही कटोरी से जो है सारा मेजरमेंट किया है। तो ये देखिए हमारे सूजी जो एकदम बढ़िया से ड्राई हो गई है, इकट्ठा होने लगी है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसको हम ढक देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। तो सूजी जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई, तो इसको हम एक थाली में हम निकाल लेंगे। अभी ये हल्का सा जो है गर्म है, हल्के गर्म में ही हमें सूजी को जो है मसल मसल कर अच्छे से हमें गूंथ लेना है। इससे क्या होगा ना कि इसमें लचीलापन आ जाएगा और हमारा नाश्ता जो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे जो है एकदम बढ़िया से अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम आटे में से जो है नींबू से थोड़ी सी छोटी साइज की हम लोई लेंगे। इस तरह से जो है इसे हम हथेलियों से मसल कर इसे हम अच्छे से हम रोल कर लेंगे। तो इसके हमें जो इस तरह से हमें बॉल्स बना लेने हैं। हमने आटा जो है बहुत ही बढ़िया गूंथ करके तैयार किया था। तो ये देखिए बॉल्स एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से जो है हम सारे बॉल्स को जो है हम बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स जो है बना लिए हैं। एकदम बढ़िया हमारे बॉल्स जो है बन करके तैयार हुए हैं। 1 कटोरी सूजी में जो है 19 से 20 बॉल्स जो है बन करके तैयार हुए हैं। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है छेद वाली थाली ली है। इसमें हम थोड़ा सा हम तेल लगा के थाली को हम चिकना कर लेंगे। अगर आपके पास छेद वाली थाली नहीं है तो आप नॉर्मल जो प्लेट होती हैं उसमें भी जो है आप प्लेट में आप थोड़ा सा तेल लगा के आप प्लेट को चिकना कर लीजिए, उसमें भी जो है आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थाली को जो है बढ़िया से चिकना कर लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे, इसमें हम 1.5 ग्लास जो है हम पानी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर जो है हम थाली को हम रख देंगे और जो हमने सूजी के बॉल्स बना करके तैयार किए थे इसको हम रख देंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, बॉल्स जो है एकदम बढ़िया से स्टीम हो गए हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसको जो है हम हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है सारे बॉल्स को प्लेट में निकाल लिया। तो ये देखिए कितने स्पंजी हमारे बॉल्स जो है बन करके तैयार हुए हैं। चलिए अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा जो है गर्म हो गया है तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच जो है हम राई डाल देंगे और इसमें हम आधी छोटी चम्मच जो है हम जीरा डाल देंगे और राई को जो है हम तड़कने देंगे। और अब हम इसमें जो है हम 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल हम डाल देंगे। तिल का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है, अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिए वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस की फ्लेम को लो ही रखा है और इसमें हम 7 से 8 पत्ते जो है कड़ी पत्ते के हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा जो है हम भून लेंगे। तो मेरे पास जो है सूखा कड़ी पत्ता था तो मैंने सूखा कड़ी पत्ता डाला है। अगर आपके पास ताज़ा कड़ी पत्ता है तो आप ताज़ा कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। और अब हम इसमें हम 2 चम्मच जो है हम सूखा नारियल का हम बुरादा हम डाल देंगे। तो जो सूखा नारियल का गोला आता है उसको मैंने जो है मिक्सी में पीस लिया था। इसको हम 2 बड़े चम्मच हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे जो है हम भून लेंगे।
और अब हम इसमें जो है हम एक चम्मच हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे, एक बड़े चम्मच। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसमें जो है एक बड़े चम्मच सांभर मसाला भी आप डाल सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसको जो है हम थोड़ा सा मसालों को हम अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने सूजी के बॉल्स में भी नमक डाला है, तो नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें हम दो सूखी लाल मिर्च हम डाल देंगे, इसको हम अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे और मसालों को जो है हम अच्छे से हम भून लेंगे। मसाले जो है वो अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें हमने जो सूजी के बॉल्स बना करके रखे थे इसको हम डाल देंगे और अच्छे से जो है हम इसे हम मिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो बॉल्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने देखिए गैस के फ्लेम को लो ही रखा है। इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे और अब हम इसका हम ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट तक हम पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा नाश्ता जो है एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। मसाले जो है एकदम बढ़िया से बॉल्स के ऊपर जो है कोट हो गए हैं। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा हम हरा धनिया हम डाल देंगे और मिला लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो हमारा नाश्ता जो है बन करके तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका सुबह के नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है तो आप इस नाश्ते को जो है बनाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये टेस्टी लगता है, या फिर आप इसे नारियल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।